3 दिन के दौरे पे हूँ। पूरे जो उत्तराखंड है हमारा, उसमें चंबा, कांगड़ा, नूरपुर और ऊना जिला है, और हम जो बॉर्डर का एरिया देखते देखते आ रहे हैं। और आप जानते हैं कि चुनाव घोषित हो चुके हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश हैं कि इंटर स्टेट जो नाका पॉइंट्स हैं उनको दुरुस्त किया जाए, उनको मजबूत किया जाए। हमको भी भारत सरकार ने CAPF ITBP के फॉर्म पे उपलब्ध करवाई है, इनके भी कुछ दो कंपनियां हमको उपलब्ध करवाई है, जो हमने बॉर्डर में आपने देखा नाकाबंदी कर रहे हैं। हमारे पूरे 107 इंटर स्टेट्स नाका पॉइंट पे, जिसमें 66 पंजाब के साथ लगते हैं, और इसमें से 14 नूरपुर में है और 25 ऊना में है। तो हम ये सारे बॉर्डर के जो इंटर स्टेट नाके हैं उनको चेक कर रहे हैं। इसका ध्येय या उद्देश्य यही है कि हमारे जो हिमाचल प्रदेश में बाहर से नशा ना आए, शराब ना आए, अवैध हथियार ना आए, पैसा ना आए, और हमारे हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव है, जिसमें कि लोकसभा के चुनाव है और 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव है, शांतिपूर्ण ढंग से हो और किसी बल या प्रलोभन के बगैर। देखिए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश हैं, उनकी लिमिट है, और आज के दिन तो हम, क्योंकि लोगों ने अपना व्यवसाय भी करना है, बहुत सख्ती नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश हैं कि 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले, 72 घंटे पहले, अगर थोड़ी मात्रा में भी अगर ये कैश हो तो उसमें पूरे प्रश्न पूछे जाए, उनकी क्वेश्चनिंग की जाए, और अगर ठीक हो तभी जाने दिया जाए। मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि 8 दिन तक हमारी जो आर्म्स डिपोजिशन है, जो जमा करवाने का सिलसिला है, उसमें 60% से ज्यादा हो गया है, और हमारी जो सीजर्स है, जिसमें कि शराब भी है, उसमें नशा भी है, उसमें कैश भी है, ये सोना भी है, 3 करोड़ से ज्यादा हो गया है। अभी 8 हफ्ते के करीब हमारे चुनाव को हैं, और हम आशा करते हैं कि हमारी शक्ति ऐसी रहेगी और हम एक अच्छे और शांतिपूर्ण चुनाव हिमाचल में करवा पाएंगे। हिमाचल प्रदेश की जनता को हम यही कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस पर पूरा भरोसा करें, और हम चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराएंगे, निष्पक्ष ढंग से कराएंगे, और किसी धन या बल का प्रयोग होने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।